प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल इंडोनेशिया में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री बाली में करीब 45 घंटे रहेंगे। उनकी लगभग 20 मुलाकातें तय हैं। बाली में भारतीय प्रधानमंत्री सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से ही नहीं बल्कि स्थानीय भारतीय मूल के लोगों से भी मिले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग पीएम से मिलकर कितने उत्साहित हैं। वहीं पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील की है। पीएम ने कहा, यूक्रेन में युद्ध विराम का रास्ता खोजना होगा। कोरोना और यूक्रेन संकट से विश्व में तबाही आ गई है। यूक्रेन संकट के बाद कई प्रतिबंध लगे हैं। बता दें, इस बार G20 शिखर सम्मेलन बेहद तनावपूर्ण माहौल में हो रहा है। दरअसल इस साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पहली बार G20 देशों के सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया के सामने कई नई आर्थिक चुनौतियां हैं। इस बार G20 देशों के सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहा तनाव, लगातार बढ़ रही महंगाई, दुनिया के सामने बढ़ रहा मंदी का खतरा, उत्तर कोरिया की परमाणु धमकियां और जलवायु परिवर्तन के कारण आ रही आपदाओं को लेकर चर्चा गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।